ग्राम पंचायत जयरामनगर विकास खंड मस्तूरी जिला बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 4 में नाली का निर्माण किया गया है और इसे 2 साल हो गया बनाए हुए, मगर इसमें इतना गंदगी भरा हुआ है कि यहाँ के सरपंच पंच कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं भी इसी रास्ते से गुजरती हूँ और मेरे को भी नाक बंद करके चलना पड़ता है। वार्ड नंबर 4 की स्थिति क्या है अभी? अब सीसी रोड के पास एक ठो नाली बने हैं और नाली बने के बाद एक बार साफ सफाई हो ओकर बाद ध्यान नहीं देते पंच सरपंच मन। ऐसे में काहे लेका बन भी खेलत रहते तो गड्ढा में भी जा सकत हवा। पूरा गंदगी हो गए, इतका गंदगी हो गए कि एकदम नाक ल छपके छपके जायल पड़त होती। ऐसे में अब तो और बीमारी है फैल जही ना। मैं इस वीडियो को 3 माह पहले बनाई थी और इस वीडियो को लेकर के कलेक्टर जन दर्शन में दिखाई। कलेक्टर फोटो खिंचाने के लिए तो इनकार कर दिया, मगर नाली को सफाई करवाने के लिए बोला गया और सरपंच द्वारा नाली की सफाई कर दी गई। आज वहां पे जनता बहुत ही खुश है और बच्चे अच्छे से खेल रहे हैं। वार्ड नंबर 3 की समस्या क्या थी? वार्ड नंबर 3 की समस्या ये रही से कि वार्ड नंबर 4 में एक ठो नाली बने रही से ओखर साफ सफाई नहीं होत रही से बहुत बदबू मारत रही से। ओखर बदबू है वार्ड नंबर 3 के गली तक में आत रही से। फिर बिंदा दीदी है वीडियो शूटिंग करके ले गई तहाँ हम जन दर्शन में गए ना तो पूरा कलेक्टर ऑफिस में जाके ओला दिखाएं तो 15 दिन के बाद आके साफ सफाई कर दी। ओखर लिए हमार बर बहुत अच्छा हो गए। लड़का भी मन अब बढ़िया से खेलत हो मेरा, हमू मन मस्त बैठे रहन, अब कोई परेशानी नहीं है। मैं हूँ वृंदा आजाद, बिलासपुर छत्तीसगढ़, इंडिया अनहर्ड के लिए।